हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है RC5 केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर का NCERT सॉल्यूशन। NCERT सॉल्यूशन में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो में, उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल और एराइल हैलाइड। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, मीन्स इसे काफ़ी शॉर्ट करके लिखा गया है। सो इन कंडेंस्ड फॉर्मूला का हमें IUPAC नेम बताना है, मीन्स IUPAC नेम लिखना है। साथ साथ ये बताना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स किस तरह के हैलाइड हैं, मीन्स ये एल्काइल हैलाइड हैं, एलाइल हैलाइड हैं, बेंजाइल हैलाइड हैं, विनाइल या फिर एराइल हैलाइड हैं। साथ में हमें बताना है कि इनकी डिग्री क्या है, मीन्स ये प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं या फिर टर्शरी हैं। सो तीन चीज़ें करनी हैं। फर्स्ट, जो कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा है इसका हम ओपन स्ट्रक्चर लिख लेंगे, उससे IUPAC नेम लिख सकते हैं, मीन्स IUPAC नेम लिखेंगे। देन ये बताएंगे कि किस तरह का एल्काइल हैलाइड है एंड एट लास्ट वो एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हमारे पास है, अब हम इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ओपन स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये जो कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब यहाँ पर CH3 होल्ड वाइज लिखा है, मतलब दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड हैं। सो हम ये वाला कार्बन को यहाँ लिखते हैं, इस कार्बन को मैंने यहाँ लिख दिया। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उस 4 वैलेंसी में से जो दो वैलेंसीज हैं उसको ये मिथाइल ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं CH3। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो उस हाइड्रोजन को हम यहां पर लगा देते हैं। अब इस हाइड्रोजन के बाद इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन को हम लिखते हैं यहां पर। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को लिख देते हैं यहां। अब इस हाइड्रोजन के साथ इसी कार्बन पर क्लोरीन भी अटैच है, तो उस क्लोरीन को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो उस CH3 को हम यहाँ लिख देते हैं। सो ये बन गया ओपन स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं इसका IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का फर्स्ट रूल होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगी। सो अगर हम यहाँ से चेन बनाते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन्स की चेन बन रही है। अगर हम ये वाली चेन लेते हैं 1, 2, 3, 4, तब भी 4 कार्बन की ही चेन बन रही है। सो इसमें ज़्यादा बेटर चेन होगी ये वाली, जो स्ट्रेट चेन हम लेंगे यहाँ से, ये वाली। सो ये बन गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सेकेंड रूल होता है नंबरिंग का, सो हमें करनी है यहाँ पर नंबरिंग। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, सो इस कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, इस कार्बन को 2nd नंबर मिलेगा, 2nd नंबर पर होगा मिथाइल एंड 3rd नंबर पर होगा क्लोरो एंड ये 4th कार्बन होगा। सो यहाँ से 2nd पर मिथाइल आ रहा है। अगर हम पीछे से देखें इस कार्बन से, तो ये 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन पर आ रहा है क्लोरो एंड 3rd पर आ रहा है मिथाइल। मीन्स अगर यहाँ से चलते हैं तो मिथाइल पहले आ रहा है, क्लोरीन 3rd पर आ रहा है, और पीछे से चलते हैं तो क्लोरीन 2nd पर आ रहा है और मिथाइल 3rd पर आ रहा है। मींस अगर यहाँ पर हम लोवेस्ट सम रूल लगाएं, लोवेस्ट सम रूल मींस यहाँ से चलते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2nd पर मिल रहा है, दूसरा 3rd पर मिल रहा है, लोवेस्ट सम का आंसर आ रहा है 5। पीछे से चलते हैं तब भी वही बात है, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2nd पर मिल रहा है एंड दूसरा 3rd पर मिल रहा है, तो लोवेस्ट सम का आंसर यहाँ भी 5 आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तब अल्फाबेटिकली चेक किया जाता है। सो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो हमें नंबरिंग करना होगी इस कार्बन से, जिससे क्लोरीन को लोवेस्ट नंबर मिले। सो इस कार्बन को हम देंगे 1 नंबर, ये वाला होगा 2nd कार्बन,
थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका नेमिंग लिखते हैं। पैरेंट चेन के बाहर जो भी ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। सो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है। सो सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है सेकंड पर क्लोरो, सो हम लिख देते हैं यहाँ पर टू क्लोरो, टू क्लोरो। अब टू क्लोरो के बाद थर्ड पर आ रहा है मिथाइल, सो इसके बाद डैश लगाएंगे, देन लिखेंगे थ्री मिथाइल। अब वर्ड रूट फोर कार्बन का है, तो फोर कार्बन वाले वर्ड रूट के लिए लिखते हैं ब्यूट, तो इसके पीछे लिखेंगे ब्यूट। और यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लिखते हैं एन। सो ये बन गया इस कंडेंस्ड फॉर्मूला का नाम, मीन्स इस स्ट्रक्चर का नाम होगा टू क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। सो ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये किस तरह का हैलाइड है। सो यहाँ पर देखिए सारे कार्बन हाइड्रोजन है, मीन्स हाइड्रोकार्बन है ये, और कोई भी रिंग नहीं दिख रही है, मीन्स ये एक एलिफेटिक चेन है। और इस एलिफेटिक चेन से हमने हाइड्रोजन को, यहाँ वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को लगाया है। तो इस तरह से जब कोई हैलाइड बनता है तो उस हैलाइड को कहा जाता है एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो एल्केन से बना है, सारे सिंगल बॉन्ड है, मीन्स एल्केन है, और एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाया है। तो इस तरह से बनने वाले हैलाइड को कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। तो ये होगा एल्काइल हैलाइड। अब बात आती है इसकी डिग्री की, कि ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। सो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। सो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पर एक ये कार्बन हो जाएगा और एक ये कार्बन हो जाएगा, मीन्स दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी टू, मीन्स ये होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू डिग्री, टू डिग्री मीन्स सेकेंडरी, टू डिग्री को हम लिख सकते हैं सेकेंडरी। सो इसका आंसर होगा टू डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, इस कंडेंस्ड फॉर्मूला का भी हम ओपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले है CH3, देन CH2, सो CH3 को पूरा ओपन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि कार्बन पर तीन हाइड्रोजन है, देन CH2। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक तरफ तो है हाइड्रोजन, सो यहाँ हम लिख देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ है CH3, ब्रैकेट में CH3 है, मीन्स वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ लिखते हैं CH3। अब CH3 के बाद ये जो कार्बन है ये पिछले वाले कार्बन से जुड़ा होगा, सो यहाँ लिखेंगे कार्बन। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, अब इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है C2H5Cl। C2H5Cl होता है इथाइल। इथाइल को हम ओपन करके लिखेंगे, यहाँ ओपन करके से लिखते हैं CH2CH3, साथ में है एक क्लोरीन। सो ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ से चेन बनाते हैं, सो 1, 2, 3 क्लोरो थर्ड पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है मिथाइल, 5 और 6 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, क्योंकि अगर ये वाली चेन भी लेते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये काफ़ी स्मॉल चेन हो जाएगी, सो इसे हम नहीं लेंगे। ये वाली चेन लेते हैं हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर ये चेन भी बना लेते हैं हम। देखिए हमने चेन बना ली और नंबरिंग भी कर ली है, अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट्स को देखने की। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है क्लोरो एंड फोर्थ पोजीशन पर है मिथाइल, यही दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं जो कि पैरेंट चेन के बाहर हैं। सो इन्हें हम लिखते हैं, पहले क्लोरो को लिखा जाएगा क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, मीन्स अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। सो लिखते हैं थर्ड, इसकी पोजीशन होगी थर्ड क्लोरो, फोर्थ पर है मिथाइल। अब सिक्स कार्बन का वर्ड रूट है, तो सिक्स कार्बन का वर्ड रूट होता है हेक्स, एंड यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसके लिए सफिक्स लिखेंगे एन।
सो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 3-chloro-4-methyl-hexane। अब हमें ये देखना है कि कौन सा हैलाइड है। सो यहाँ पर ये भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और ये एलिफैटिक ग्रुप है। एलिफैटिक ग्रुप में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को लगाया है, तो इस तरह के जो हैलाइड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। तो ये होगा एल्काइल हैलाइड। अगर डिग्री की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो ही कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, मींस दो ही कार्बन से अटैच है। सो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 डिग्री, मींस ये होगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें, इसका ओपन स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी और नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे आयोडीन के नेबरिंग कार्बन से। सो फर्स्ट पोजीशन पर है आयोडो, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, सेकंड पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसके लिए हमें लिखना होगा नंबरिंग में 2, 2। दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दो मिथाइल हैं और दोनों मिथाइल सेकंड पोजीशन पर हैं। फिर डैश लगाकर लिखेंगे डाई, डाई इसलिए लिखा क्योंकि दो हैं। फिर मिथाइल, अब वर्ड रूट हो रहा है यहाँ पर 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के वर्ड रूट के लिए लिखते हैं ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लिखेंगे एन सफिक्स। सो 1-iodo-2,2-dimethylbutane इसका नाम होगा। अब ये भी एल्काइल हैलाइड होगा। क्यों होगा एल्काइल हैलाइड? क्योंकि यहाँ पर ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके आयोडीन लगाया है, हैलोजन लगाया है, तो ये भी हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। अब ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, इसके लिए चेक करना होगा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो फंक्शनल ग्रुप आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला जो आयोडीन है, ये इसके पास वाला जो कार्बन है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। ये जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है सिर्फ इसी से ये जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इस कंडेंस्ड फॉर्मूला का भी हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, सो यहाँ पर इसे बनाते हैं। कार्बन की वैलेंसी मैंने यहाँ बना ली है 4, अब इस पर 3 वैलेंसी पर मिथाइल ग्रुप लगाना है, सो लगा देते हैं। अब एक वैलेंसी जो फ्री है उस पर दूसरा कार्बन अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, सो वो 2 हाइड्रोजन बना देते हैं यहाँ। अब इस CH2 से ये हो गया CH2, इसके बाद फिर एक और कार्बन अटैच्ड है, सो एक और कार्बन यहाँ बना दिया। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन अटैच्ड है, सो यहाँ पर हमने लगा दी हाइड्रोजन और एक तरफ आएगा ब्रोमीन। अब इस कार्बन से एक C6H5 ग्रुप अटैच्ड है। C6H5 ग्रुप होता है एक फिनाइल ग्रुप, मीन्स एक बेंजीन रिंग में से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी दूसरे ग्रुप से, या बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं तो एक वैलेंसी वहाँ फ्री हो जाती है, तो जो बनने वाला ग्रुप होता है उसे कहते हैं फिनाइल ग्रुप। सो हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली C6H5 भी लिख सकते हैं, या चाहें तो रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। हमने रिंग बनाई है, इसका मतलब C6H5 ही होगा। अब इसका नाम लिखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगी। सो
अगर हम यहाँ से देखें, सो 1, 2, 3, 4 फोर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, और अगर यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4 नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तब भी चार कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। सो कोई भी चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, यही वाली बीच वाली चेन में सिलेक्ट कर रही हूँ। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग हम करेंगे ब्रोमीन से, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर मिलेगा, साथ साथ जो फिनाइल ग्रुप है उसको भी फर्स्ट नंबर मिलेगा। हमने नंबरिंग कर ली है, अब हम लिखते हैं इसका IUPAC नेम। फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है एक ब्रोमीन ग्रुप, मींस फर्स्ट पर है ब्रोमो। फिर थर्ड पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे डायमिथाइल। फिर फर्स्ट पर एक और फिनाइल ग्रुप भी आ रहा है, मींस एक और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, एक और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा हुआ है। सो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिखना है। हमारे पास है ब्रोमो, फिनाइल एंड मिथाइल। सो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, सो ब्रोमो को पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद थर्ड पर मिथाइल आ रहा है, तो मिथाइल और फिनाइल में मिथाइल पहले आएगा, सो इसको पहले लिखेंगे। थर्ड पोजीशन पर दो मिथाइल लगे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 3.3 डाई मिथाइल। अब फिनाइल की बारी आती है, फर्स्ट पर ही फिनाइल लगा है, सो यहाँ लिखेंगे 1 फिनाइल। अब वर्ड रूट, फोर कार्बन का वर्ड रूट है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसके लिए लिखा जाएगा ब्यूटेन। सो इसका नाम यहाँ पर कंप्लीट होता है 1-bromo-3.3 डाइमिथाइल 1-फिनाइल ब्यूटेन। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का हैलाइड है। सो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, मीन्स वो एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। सो इस तरह की सिचुएशन हमें जब भी देखने को मिलती है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अगर एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हो, सो इस तरह का जो हैलाइड होता है उसे कहा जाता है बेंजाइल हैलाइड। सो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। अब इसकी डिग्री की बात आती है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो कार्बन से अटैच्ड है, मींस एक कार्बन तो ये हो गया यहाँ पर बेंजीन रिंग वाला, फिर दूसरा कार्बन हो गया ये वाला, मींस ये दो ही कार्बन से अटैच्ड है। सो इस बेंजाइलिक हैलाइड की डिग्री हो जाएगी 2, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री मींस सेकेंडरी, सेकेंडरी भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इस फॉर्मूला का भी ओपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले है CH3, CH3 अटैच्ड है कार्बन से। आप चाहें तो इसे भी ओपन करके लिख सकते हैं, पर CH3 अंडरस्टूड होता है इसलिए उसको ओपन नहीं किया है, पर बाकी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए उसको ओपन करके हम लिख लेते हैं। अब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो वो हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख ली। अब हाइड्रोजन के साथ साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है इस पर, सो वो भी लिख लेते हैं। अब मिथाइल ग्रुप के बाद एक और कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, सो उसे लिखते हैं। देन हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के बाद एक BR भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो उसको भी लिख लेते हैं BR। देन लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से बनेगी 1, 2, 3, 4। अगर ये वाली लेते हैं 1, 2, 3, 4 तब भी बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये चेन बना लेते हैं। अब करना है नंबरिंग, सो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन को सेकंड नंबर मिलेगा, अगर पीछे से करेंगे तो ब्रोमीन को थर्ड नंबर मिलेगा। सो 1 एंड 4। अब सेकंड पोजीशन पर आ रहा है ब्रोमो, सो इसके लिए लिखेंगे 2 ब्रोमो। थर्ड पर है मिथाइल एंड फोर कार्बन है तो ब्यूटेन, सो लिखते हैं
सेकंड पर है ब्रोमीन तो लिखेंगे 2-bromo, थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल सो 3-methyl, एंड फोर कार्बन है, फोर कार्बन का वर्ड रूट है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, एंड सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखेंगे सफिक्स एन। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का हैलाइड है। यहां पर भी एलिफेटिक कार्बन चेन दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक हैलोजन लगा है, मींस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने हैलोजन लगाया है तो ये भी हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड के बाद इसकी डिग्री भी देखना है, सो डिग्री के लिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, सो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन यहाँ पर इस सेकंड वाले कार्बन से अटैच्ड है और ये सेकंड वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है, एक तो ये वाला कार्बन और एक इसके पीछे वाला फर्स्ट वाला कार्बन, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, मींस ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सो लिख लेते हैं इसे यहाँ पर हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, इस फॉर्मूला का भी हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले यहां पर इस कार्बन से एक CH3 अटैच्ड है और उस CH3 के साथ C2H5 मींस इथाइल ग्रुप की दो यूनिट्स अटैच्ड हैं। सो पहले तो हम CH3 लिख देते हैं इसके साथ। अब इस कार्बन पर दो इथाइल ग्रुप हमें जोड़ना है, सो IUPAC नेम लिखना है तो इसे हम ओपन करके लिखेंगे, क्योंकि ओपन करके अगर नहीं लिखा तो यहाँ पर जो कार्बन की चेन होगी वो छोटी बनेगी। इथाइल को ओपन करके लिखेंगे तो CH2CH3 हम इसे लिख सकते हैं, दो यूनिट है तो एक ऊपर भी लिखेंगे, सो दो इथाइल की यूनिट हमने यहाँ पर जोड़ लिए हैं। अब नेक्स्ट एक और कार्बन इससे जुड़ा है, सो यहाँ बना देते हैं एक और कार्बन, बॉन्ड थोड़ा सा मैं लंबा बना रही हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ, बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। देन इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन अटैच हैं, देन एक ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है। सो इसका स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सो अगर हम यहाँ से चेन बनाते हैं, सो 1, 2, 3 and 4 कार्बन की चेन बनेगी। अगर हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं सो 1, 2 and 3 तीन कार्बन की चेन बनेगी। सो अगर हम ये वाली बड़ी वाली चेन लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, 1, 2, 3 and 4 तो यही वाली चेन हम ले लेते हैं। ऊपर वाला ग्रुप लीजिए या नीचे वाला ग्रुप लीजिए सेम बात है। सो ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करेंगे हम ब्रोमीन से स्टार्ट, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए। सो ब्रोमीन का जो नेबरिंग कार्बन है इसे देंगे हम 1 नंबर, ये वाला कार्बन हो जाएगा सेकंड, दिस इज थर्ड एंड ये वाला फोर्थ। अब इसका नेम लिखते हैं, फर्स्ट पर है ब्रोमो एंड सेकंड पर आ रहा है इथाइल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है इथाइल ग्रुप, CH2CH3 दिस इज इथाइल, CH2CH3 इज इथाइल, सेकंड पर आ रहा है इथाइल, सो लिखते हैं 1-bromo 2-ethyl, एक और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हमें दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पर ही ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मिथाइल है ये 2-methyl, सो इसको भी लिखना होगा 2-methyl। तो देखिए सारे सब्स्टिट्यूएंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब वर्ड रूट लिखना बाकी है। तो फोर कार्बन्स हैं, फोर कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लिख चुके हैं इतनी बार, ब्यूट होगा और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लिखेंगे एन एज सफिक्स, सो इसका नाम हो जाएगा 1-bromo 2-ethyl 2-methyl ब्यूटेन। अब देखते हैं कि किस तरह का हैलाइड है। सो यहाँ पर भी हमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सो ये भी होगा एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में इसकी डिग्री देखी जाए तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ब्रोमीन मींस फंक्शनल ग्रुप
जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, मींस ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री और प्राइमरी, 1 डिग्री और प्राइमरी भी लिख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसका भी हम ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। फर्स्ट ये जो कार्बन है इससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरा क्लोरीन अटैच है, सो यहाँ पर इस कार्बन से मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है और एक क्लोरीन जोड़ दिया है। अब दो वैलेंसी अभी भी इसकी फ्री हैं, तो दो वैलेंसी में एक वैलेंसी पर इथाइल ग्रुप अटैच है, C2H5 इथाइल होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था, सो इसे लिख देते हैं ओपन करके, इथाइल को ओपन करके लिखेंगे तो लिखेंगे CH2CH3। अब इस कार्बन से ये CH2 जुड़ा हुआ है, सो यहाँ लिखते हैं CH2। अब CH2 के बाद इसी कार्बन से ये CH3 मींस मिथाइल भी जुड़ा है, सो इसको लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, अब इसका नेमिंग करना है, सो नेमिंग के लिए अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले कार्बन से, सो 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन बनेगी। अगर इस मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट किया जाए, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ से 5 कार्बन की चेन बन रही है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, सो इसी चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बन गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहाँ से की जाए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, सो 1, 2 एंड 3, थर्ड पर आ रहा है क्लोरो एंड थर्ड पर ही आ रहा है मिथाइल, पीछे से करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से भी सेम थर्ड पर ही क्लोरो आ रहा है और थर्ड पर ही मिथाइल है, तो सेम बात है कहीं से भी करें। अब क्लोरो और मिथाइल में क्लोरीन को पहले लिखा जाएगा, क्लोरो को, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो यहाँ पर हम नंबर्स भी डाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो थर्ड पर क्लोरो पहले लिखेंगे, 3 क्लोरो, अब थर्ड पर ही मिथाइल है तो इसके बाद लिखेंगे डैश लगाकर 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होगा पेंट एंड सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसके लिए सफिक्स लिखेंगे एन। सो ये इसका नाम हो गया 3-क्लोरो-3-मिथाइल-पेंटेन। अब देखते हैं कि किस तरह का हैलाइड है, यहाँ पर भी सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कोई भी रिंग नहीं है, एलिफेटिक चेन ही है, तो ये भी होगा एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड तो है पर इसकी डिग्री क्या होगी, सो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, वो यहाँ पर 3 कार्बन से अटैच है, एक तो ये वाला, एक इसका नेबरिंग ये वाला और एक ये वाला, एक तो ये कार्बन, एक ये और एक ये, मींस ये 3 कार्बन से अटैच है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अल्काइल हैलाइड की डिग्री हो जाएगी 3, मींस ये होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 डिग्री और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, इसका भी हम ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है और उसके बाद है डबल बॉन्ड, सो इसे लिखते हैं हम, मीन्स इसे ड्रॉ करते हैं, ये कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर बना दी है। अब इसके बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, सो ये डबल बॉन्ड भी लगा दिया, फिर एक कार्बन और है, देन इस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, सो यहाँ पर हमने क्लोरीन भी लगा दी, फिर इससे एक और कार्बन अटैच है, सो एक और कार्बन बना दिया। अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, सो
सो ये दो हाइड्रोजन लगा दी, देन अगेन ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर जो बची हुई दो वैलेंसीज बची हैं इस कार्बन की, वो दो मिथाइल ग्रुप से कंप्लीट हो रही हैं। ये बन गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। सो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होगी। अगर हम यहाँ से चेन बनाते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन बन रही है। और अगर यहाँ से बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, या इसको 6 ले लीजिए। सो यहाँ से 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। सो ये वाली चेन हम ले लेते हैं। अब नंबरिंग करना है। सो यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड। सो अब इस डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देना होगी। मींस जब हम नंबरिंग यहाँ करेंगे तो हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे भी हम नंबरिंग करें पर डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा और वो हमें करना नहीं है। सो हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। मीन्स यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ट्राई ये करना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दिया जाए। सो इस कार्बन को देते हैं फर्स्ट नंबर, ये होगा सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो नंबरिंग भी हो गई। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर एक क्लोरीन आ रहा है और फिफ्थ पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। मीन सब्स्टिट्यूएंट में तो यही है, पैरेंट चेन के बाहर यही दो ग्रुप दिख रहे हैं। सो पहले हम लिखेंगे क्लोरीन को, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। सो उसका नाम होगा 3-chloro, देन 5 पर आ रहा है मिथाइल। सो लिख देते हैं 3-chloro, 5 पर है मिथाइल, 5 पर आ गया मिथाइल। अब और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ नहीं दिख रहा है, मीन्स पैरेंट चेन के बाहर कोई भी ग्रुप नहीं है। सो वर्ड रूट देख लेते हैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेक्स। सो लिखेंगे हेक्स। अब यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स नहीं हैं, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको पोजीशन के साथ लिखेंगे ईन। सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड और इसके लिए लिखते हैं डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ईन। सो इसका नाम होगा 3-chloro-5-methyl-hex-2-ene। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का हैलाइड है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। सो इस तरह की जब कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और उस कार्बन ने जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है वो एक एलिफैटिक चेन में ही प्रेजेंट है, मींस ऐसा नहीं है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी रिंग के साथ अटैच्ड है। सो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो उसे कहा जाता है विनाइल हैलाइड या फिर विनाइलिक हैलाइड। सो ये होगा विनाइलिक हैलाइड। अब हम देखते हैं इसकी डिग्री की डिग्री कितनी होगी। सो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो यहाँ पर दो ही कार्बन से अटैच है, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 degree, मींस ये होगा 2 degree विनाइलिक हैलाइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इस फॉर्मूला का भी ओपन स्ट्रक्चर लिखना होगा पहले। सो इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, सो इसे भी लिख देते हैं। यहां पर इस कार्बन का मिथाइल ग्रुप हमने बना दिया और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को भी यहां पर बना दिया है। अब इस पर एक डबल बॉन्ड लगा है, सो यहां डबल बॉन्ड भी लगा दिया हमने। अब डबल बॉन्ड एक कार्बन से अटैच है, सो एक कार्बन लगा देते हैं। अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ी है, सो यहाँ हाइड्रोजन बना दी। अब यहाँ पर जो अगला बॉन्ड है इस पर एक और कार्बन अटैच है। अब इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन है और एक ब्रोमीन के साथ दो मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन से जुड़े हुए हैं,
सो इसकी बची हुई जो वैलेंसी है वो मिथाइल ग्रुप से कंप्लीट होगी। सो ये बन गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर हम यहाँ से चेन बनाते हैं सो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन्स की चेन बनेगी। और अगर यहाँ से देखते हैं सो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से भी 5 कार्बन की ही चेन बन रही है, तो यही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। सिलेक्ट कर लेते हैं इसे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। अब करना है नंबरिंग। सो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। सो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले इसके लिए हमें यहाँ स्टार्टिंग से नंबरिंग करना होगी। सो 1, 2 यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलेगा। अगर पीछे से करेंगे सो 1, 2, 3 यहाँ से थर्ड नंबर मिलेगा। सो आगे से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब पैरेंट चेन के बाहर आ रहा है यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर एक तो ब्रोमो और दूसरा है मिथाइल, बाकी और कोई भी सब्सिक्वेंट इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है। सो इसका नाम लिखते हैं। ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है तो ब्रोमीन को पहले लिखा जाएगा। फोर्थ पोजीशन पर है ब्रोमीन सो लिखेंगे 4 ब्रोमो। फोर्थ पोजिशन पर ही मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 4 मिथाइल। देन वर्ड रूट 5 कार्बन का है तो उसके लिए लिखेंगे पेंट। अब यहाँ पर देखिए सारे सिंगल बॉन्ड्स नहीं हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड भी है तो इसके लिए डैश लगा कर लिखेंगे 2E। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। इन इसलिए लिखा है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो सफिक्स इन यूज़ किया जाता है। सो इसका नाम होगा 4-bromo-4-methyl पेंट 2E। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का हैलाइट है। सो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हमें पता कैसे लगेगा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है सो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के क्लासिफिकेशन की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर मैंने इसे डिटेल में समझाया है कि कब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कब sp2 होगा और कब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन के आसपास सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के आसपास तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इसका जो नेबरिंग कार्बन है ये वाला कार्बन, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है सो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। मीन्स ये वाला जो कार्बन है इसने दो तो सिंगल बॉन्ड बनाए हैं पर एक यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो और उसके नेबरिंग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो सो इस तरह के हैलाइड को कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड। क्या कहा मैंने एक बार और सुनिए ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर हैलोजन, हैलोजन में आ रहा है ब्रोमीन। सो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्यों है? क्योंकि उस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं। देन इसका जो नेबरिंग कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्यों है? क्योंकि उसने सिंगल बॉन्ड्स के साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी बनाया है। और इस तरह का सिस्टम जब हमें देखने को मिलता है सो उसे कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड और एलाइल हैलाइड। सो ये किस तरह का हैलाइड हो जाएगा? एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। सो यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। अब इसकी डिग्री भी देखना है। सो डिग्री के लिए फंक्शनल ग्रुप मींस हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड दिख रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप मींस ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच है, 1, 2 एंड 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। एक कार्बन तो ये वाला होगा, एक ये वाला कार्बन होगा और एक ये वाला कार्बन होगा।
सो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, तो यहां लिख देते हैं हम 3 डिग्री. 3 डिग्री मीन्स टर्शरी. सो ये होगा टर्शरी एलाइल हैलाइड और टर्शरी एलाइलिक हैलाइड. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज, इस फॉर्मूला का भी ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे. यहां पर पैरा पोजीशन पर लगा है क्लोरो. अब पैरा पोजीशन कब आएगी, जब बेंजीन रिंग होगी. सो C6H4 का मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन की जो पैरा वाली पोजीशन है उस पर लगा हुआ है क्लोरो, एंड बाकी की जो पोजीशन है उस पर है CH2 CH CH3 होल ट्वाइस. तो इसे हम बनाते हैं. ये होगी फर्स्ट पोजीशन. सो C6H4 की फर्स्ट पोजीशन पर लगा है ये पूरा ग्रुप, और पैरा वाली पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरीन. सो बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, सो ये वाली पोजीशन हो जाती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये पोजीशन हो जाएगी पैरा. तो पैरा पर है क्लोरीन, एंड ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है CH2. यहाँ पर देखिए ये है CH2, तो मैंने इसको ओपन करके लिखा है CH2. उसके बाद है कार्बन, कार्बन पर है हाइड्रोजन, और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं. तो उन मिथाइल ग्रुप को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. अब हम देखते हैं इसका IUPAC नेम. सो IUPAC नेम में इस बेंजीन रिंग में नंबरिंग की जाएगी क्लोरीन से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है. सो क्लोरीन वाले कार्बन को देंगे 1 नंबर, ये होगा 2, 3 एंड 4. सो फर्स्ट पोजीशन पर तो लगा है क्लोरो, एंड फोर्थ पोजीशन पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है. मींस जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी ब्रांचिंग हो गई है, तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. सो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी हमें एक चेन सिलेक्ट करना होगी. सो यहां से चेन बनेगी 1, 2 एंड 3. 3 कार्बन की चेन ये बन जाएगी. सो ये 3 कार्बन की चेन बन गई. इसकी भी नंबरिंग हमें करना होगी. सो जहां से ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उस कार्बन को हम देते हैं 1 नंबर. आप चाहें तो इसे डैश भी लिख सकते हैं, 1-2-3- या सिंपल इसको 1-2-3 भी लिख सकते हैं. सो यहां पर फर्स्ट पर तो मेन सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्लोरो, फिर फोर्थ से यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो गया, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी एक ब्रांच आ गई. मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया यहां पर, सेकंड पर मिथाइल. सो इसे मैं लिखकर आपको बताती हूं. सबसे पहले तो हम लिखते हैं मेन सब्स्टिट्यूएंट. फर्स्ट पर है क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो. अब यहां पर देखिए फोर्थ पोजीशन से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद डैश लगाकर लिखते हैं 4. 4 के बाद हमें लेना है ब्रैकेट, ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में लिखेंगे यहां पर इसका जो भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मींस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी जो सब्स्टिट्यूएंट है जो इस पैरेंट चेन के बाहर आ रहा है उसका नाम हमें लिखना है. तो यहां सेकंड पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल, तो लिख देंगे 2-मिथाइल. अब 2-मिथाइल के बाद और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, तो वर्ड रूट देखते हैं 1-2-3. 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप, पर यहां पर हम इसको लिखेंगे प्रोपाइल, मींस प्रोपेन नहीं लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा प्रोपाइल. प्रोपाइल इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये वर्ड रूट नहीं है. अभी हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही लिख रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोपाइल. मिथाइल के बाद आएगा प्रोपाइल. अब प्रोपाइल के बाद और कुछ भी नहीं है यहाँ, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं. फिर आएंगे हमारे मेन वर्ड रूट पर. मेन वर्ड रूट होगा बेंजीन, तो इसके पीछे लिख देते हैं बेंजीन. सो यहाँ पर ये वाला नाम होता है कंप्लीट. इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-4, फिर ब्रैकेट में लिखना है 2-मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज करके बेंजीन. अब ये किस तरह का हैलाइड है, सो देख लेते हैं. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक एरोमेटिक रिंग है, मींस क्लोरीन यहाँ पर बेंजीन रिंग से अटैच है. सो जब ऐसी कंडीशन होती है कि हैलोजन डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, तो उसको नाम दिया जाता है एराइल हैलाइड. सो ये किस प्रकार का हैलाइड होगा,
एराइल हैलाइड. सो दिस इज एराइल हैलाइड. अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है, मींस ये फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बन यहां पर होगा और ये कार्बन इन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो इसकी डिग्री हो जाएगी 2. तो ये होगा 2 डिग्री एराइल हैलाइड. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 में ये फॉर्मूला गिवन है. इस फॉर्मूला में C6H4 मींस बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पर CH2Cl जुड़ा हुआ है. सो यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग बनाई, इसकी मेटा पोजीशन पर जोड़ दिया CH2Cl. मेटा पोजीशन कौन सी होती है? अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर, सो उसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन हो जाती है ऑर्थो और ये पोजीशन हो जाती है मेटा. मींस 1.2 वाली हो जाएगी ऑर्थो एंड 1.3 वाली हो जाएगी मेटा. सो यहाँ पर मेटा पर हमने जोड़ दिया CH2Cl. अब जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर लिखना है CH2, तो हमने कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा दी CH2, फिर एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं. सो यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप बना देते हैं हम. सो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब हम करते हैं इसका IUPAC नेमिंग. सो IUPAC नेमिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना होती है, पर यहाँ पर पहले तो रिंग आ रही है. सो रिंग पर देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है. रिंग पर जुड़ा है CH2Cl और CH2Cl के लिए लिखते हैं क्लोरोमिथाइल. इस पूरे ग्रुप के लिए लिखते हैं क्लोरोमिथाइल और इसके साथ है फंक्शनल ग्रुप. सो इस वाले कार्बन को हमको देना होगा फर्स्ट नंबर. बेंजीन रिंग के इस कार्बन को हम देते हैं नंबर 1 क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है. देन ये वाला कार्बन हो जाएगा सेकंड. दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरोमिथाइल एंड थर्ड पोजीशन पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. मींस जो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर लगा हुआ है उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया. सो इसका भी नेमिंग हमें करना होगा. सो इसके लिए भी पहले एक पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे हम. सो 1, 2, 3 तीन कार्बन की मैक्सिमम यहां पर चेन बनेगी. सो ये वाली चेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं. ये हो गई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पैरेंट चेन. अब इसका भी नंबरिंग करना होता है. सो जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट है, लाइक 3 से ब्रांचिंग स्टार्ट है, तो उस कार्बन को हमें 1 नंबर देना होगा. 1- दे सकते हैं आप, देन 2- देन 3-. आप चाहें तो डैश लिखिए, नहीं तो सिर्फ 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं. सो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में सेकेंड पोजिशन पर दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं. अब हम देखते हैं इसका नेम किस तरह से लिखेंगे. सो फर्स्ट पर तो आ रहा है क्लोरोमिथाइल, इसे पहले लिखेंगे. सो लिखते हैं फर्स्ट पर वन क्लोरोमिथाइल. अब इसके बाद थर्ड से स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पर हम लिखते हैं थर्ड नंबर. थर्ड के बाद लगा देते हैं ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम. सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, मींस इसकी सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं दो मिथाइल, तो इनको पहले लिखा जाएगा 2, 2 डाई मिथाइल. अब तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, मींस ये प्रोपेन होगा, पर यहाँ पर इसको प्रोपेन नहीं लिखा जाता, इसको लिखेंगे हम प्रोपाइल क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है. तो डाई मिथाइल प्रोपाइल. प्रोपाइल के बाद ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कंप्लीट हो गया. अब हमारा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट होगा बेंजीन, तो इसके बाद आएगा बेंजीन. मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ बेंजीन. सो इस फॉर्मूला का, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 1-chloro-3 फिर ब्रैकेट में 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन. अब देखते हैं हम कि ये किस तरह का हैलाइड है. सो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड
वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 जहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कार्बन एक बेंजीन रिंग में आ रहा है। सो इस तरह के ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइलिक ग्रुप या बेंजाइलिक हैलाइड। एक बार और मैं बताती हूँ मैंने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है सो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब इसका sp2 क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स होते हैं जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन रिंग में हो रहा है, इसके कारण इस तरह के हैलाइड को बोलते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। सो ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर हम इसकी डिग्री देखें तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, मींस इसकी डिग्री होगी 1। तो ये हो जाएगा 1 degree मींस प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, यहाँ पर भी C6H4 आ रहा है मींस बेंजीन रिंग होगी, और ऑर्थो पोजीशन पर लगा है एक Br मींस ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन है। सो बनाते हैं इसे। अब इस बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पर लगा है Br। अगर कोई ग्रुप यहाँ अटैच होता है तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन हो जाती है ऑर्थो, सो इस पर लगा हुआ है Br। अब इस पोजीशन पर लगाना है हमें ये पूरा बचा हुआ ग्रुप। अब इस बचे हुए ग्रुप को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर रिंग के साथ है कार्बन, कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, अब मिथाइल ग्रुप के बाद एक और कार्बन है यहां पर CH2 मींस दो हाइड्रोजन इस पर जुड़ी हैं, देन है CH3। सो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसका नेमिंग करते हैं। सो नेमिंग में जहां पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उस कार्बन को देंगे 1 number। सो यहाँ पर है ब्रोमीन, सो ब्रोमीन वाले कार्बन को मिलेगा 1 number, देन ये वाला कार्बन हो जाएगा 2nd carbon। अब यहाँ पर भी ऊपर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है सो इसकी भी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना होगी। सो यहाँ पर ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। अब जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उस कार्बन को देंगे 1 number, दिस इज 2nd एंड ये होगा 3rd। अब हम करते हैं इसका नेमिंग। फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है ब्रोमो तो इसको पहले लिखा जाएगा 1 bromo। अब 1 bromo के बाद 2nd से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो गया सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पैरेंट चेन में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी फर्स्ट पोजीशन पर है मिथाइल, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 1 के बाद आएगा मिथाइल। सो यहाँ पर फर्स्ट पर हमने लिख दिया मिथाइल। अब 3 carbon की चेन बनी है तो इसके लिए वर्ड रूट लिखते हैं प्रॉप, और YL इसलिए लगाया है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सो 1 methyl एंड प्रोपाइल, मिथाइल के बाद लिखना है प्रोपाइल। अब मेन वर्ड रूट देख लेते हैं तो मेन वर्ड रूट होगा बेंजीन, सो पीछे लिख दिया है हमने बेंजीन। सो इसका नाम बनेगा 1 bromo 2 1 methyl propyl benzene। अब देखते हैं कि किस तरह का हैलाइड है। सो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मींस ब्रोमीन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। सो जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है सो उस तरह के हैलाइड को कहा जाता है एराइल हैलाइड। तो ये होगा एराइल हैलाइड। अगर डिग्री की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 carbon से अटैच्ड है, मींस इसकी डिग्री हो जाएगी
टू डिग्री या फिर सेकेंडरी। सो ये था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 12 स्ट्रक्चर्स के आईयूपीएसी नेमिंग हमें करना थे। सो यहीं पर ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।